Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars, where future lies in your own abilities. Guys, आज हम बना रहे हैं हमारा वीडियो नंबर 103, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बहुत सारी चीजें और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से एक 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन तो परफेक्टली 100% आने वाला है। यानी कि आज की सिर्फ 15 मिनट की एक वीडियो और आपको दे सकती है बोर्ड के अंदर पूरे 5 मार्क्स। ठीक है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो सिर्फ यहां लिखा हुआ है, इतना ही लिखना है। इससे ज्यादा ना तो लिखना है ना इससे कम लिखना है, और आपको एक सिर्फ सोच के बदले आपको 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट नहीं आने वाला है। पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे, दे वोंट आस्क यू लाइक कि भाई ये क्या होता है, ऐसे 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 बता दो, क्योंकि आप तीसरी चौथी पांचवी क्लास के बच्चे नहीं रहे हो, आप 10वीं क्लास के बच्चे हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, तो आप लोग क्वेश्चंस को किसी भी फॉर्म में एनालिसिस कर सकते हो। तो एक एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा आएगा। क्या आता है देखो, बता दो क्या क्वेश्चन जनरेट हो सकता है इस वीडियो के एंड तक, आपको वो भी पता चल जाएगा। यहां जो एग्जाम्पल दूंगा मैं, उन एग्जाम्पल को ऐसे ही गांठ बांध के रख लेना अपने साथ, और जब बोर्ड के पेपर देने जाओ उससे पहले उसको देख लेना एक बार कि क्या सर ने बोला था, क्योंकि वो चीज आपको बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम 103 नंबर की वीडियो में कुछ पढ़ने वाले हैं। हम डिफेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। 2 के अंदर हम लोगों ने बात करी थी ह्यूमन आई के ऊपर, आई कैसा इंस्ट्रूमेंट है, व्हाट इज अकोमोडेशन ऑफ आई, फार पॉइंट, नियर बाय पॉइंट सारे डिस्क्राइब कर चुका था मैं, और ये पढ़ा था हमने कि अगर इमेज फॉर्मेशन रेटिना पर है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, वरना उस ऑब्जेक्ट को हमारे लिए देख पाना क्लियर पॉसिबल नहीं होगा। और वो स्टेट जिसमें मैं किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता, किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता, उसको क्या बोलेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ आई। यानी कि उस केस में जब कोई चीज मुझसे थोड़ी सी दूर पर है या बहुत ज्यादा क्लोज है, 25 सेंटीमीटर के बाद रखी हुई किसी चीज को मैं प्रॉपरली विजिबल नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, उस केस में या तो इमेज रेटिना से पहले आ रही है या फिर इमेज रेटिना के पीछे आ रही है, ठीक है, और वो जो इमेज फॉर्मेशन है वो ब्लर है, वो केस क्या कहलाता है, डिफेक्ट्स इन आई। यानी कि हमारी आंखों में जो लेंस लगा है, जो सिलियरी मसल्स हैं, वो लेंस और सिलियरी मसल्स अपना फंक्शन एग्जैक्टली नहीं कर पा रही है जितना उसकी पावर होनी चाहिए, या तो उससे ज्यादा पावर है या उससे कम पावर है, इसीलिए वो इमेज रेटिना पर फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, राइट, जैसे कि हम लोग, अब आप ऐसे बोल सकते हो कि सर मेरा विजन तो बिल्कुल क्लियर है, मैं यहां से सन को देख सकता हूं विच इज मिलियन ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, मैं यहां से मून को देख सकता हूं विच इज ऑल्सो मिलियन ऑफ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, तो मेरा विजन तो बिल्कुल क्लियर है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास सन या मून ब्लर बन रहे हैं, वो बहुत बड़े दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तो फिर क्या बोलोगे आप कि हम लोगों को किसी चश्मे की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट, दिखते तो हमारे दादाजी को भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने चश्मा लगा रखा है, लगा रखा है कि नहीं लगा रखा, हर बच्चे को सन और मून क्लियर दिख रहा है और वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स है, स्टिल हम लोगों ने चश्मे लगा रखे हैं, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा कि भाई मिलियन ऑफ किलोमीटर दूर की चीज मुझे दिख रही है, ठीक है, लेकिन पास की चीज नहीं दिख पा रही, राइट, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा कि हम इतना दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, आंखों के ऊपर बिना स्क्रीन डाले देख सकते हैं, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स की विजिबिलिटी लो हो गई, राइट, तो उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स इन आई। टोटल हमारे पास कितने डिफेक्ट्स हैं, पहले उनकी बात करते हैं कि पता कैसे चलेगा कि आपकी या मेरी आंख खराब है, ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन कॉज क्या है, इनकरेक्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द आई लेंस, आई लेंस से इनकरेक्ट रिफ्रैक्शन होता है। इफेक्ट क्या है, इमेज फॉर्म बिफोर और आफ्टर रेटिना, इमेज जो है वो रेटिना पर नहीं बनके या तो रेटिना से पीछे बनेगी या फिर रेटिना से आगे बनेगी, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये रहा, आपकी इमेज ये रेटिना था,
इमेज फॉर्मेशन यहां पे होनी चाहिए थी, लेकिन वो इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो रही है? रेटिना से पहले। यानी कि ये ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिखेगा? ब्लर दिखेगा। ठीक है, तो इस चीज को अब मुझे क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करना पड़ेगा, और मुझे इसको खींचकर कहां पे ले जाना है? रेटिना पर ले जाना है। और देखिए, मैं नीचे वाले डायग्राम में इसको रेटिना पर लेके भी गया हूं, लेकिन उस चीज के लिए मैंने यहां पर एक कॉनकेव लेंस लगाया है करेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो दिस लेंस इज एक्ट एज अ करेक्टिंग मेजर। ठीक है ना, तो देखिए, इमेज फॉर्म बिफोर एंड आफ्टर रेटिना डिटेक्शन। कैसे पता चलेगा कि आपको आईसाइट टेस्ट कराने की जरूरत है? ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोले मैं स्मार्ट नहीं लग रहा, मैं स्पेकल्स लगा लेता हूं बहुत स्मार्ट लगूंगा, या किसी ने कहा है कि भैया चश्मा लगा लो बहुत स्मार्ट लगोगे। ठीक है ना, राइट। तो डिटेक्शन ब्लर इमेजेस, कैसी इमेज फॉर्मेशन होगा? ब्लर, पास के ऑब्जेक्ट की या दूर के ऑब्जेक्ट की अगर इमेज ब्लर होती जा रही है, अगर आप क्लास के लास्ट बेंच पे बैठे हो और आपको बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा, इसका मतलब या ब्लर दिख रहा है, दैट इज व्हाट अ डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, और लास्ट ईयर बोर्ड के अंदर इस चीज पे क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, लेकिन उसको बोर्ड पे लिखी हुई कोई भी चीज प्रॉपरली विजिबल नहीं है, तो अब बताइए कि उसको कौन सा डिफेक्ट है, नंबर वन चीज। ठीक है, किस तरीके से करेक्ट हो सकता है, क्या क्या कॉजेज है, ठीक है, और करेक्शन लेंस कौन सा लग सकता है। ठीक है, राइट। तो यही क्वेश्चन सिर्फ कितने मार्क्स का? 5 नंबर का। सीधा नहीं पूछा, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी कर दी, उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला कि मुझे डिफेक्ट बता दो, उन्होंने बोला एक बच्चा दूर की चीज नहीं देख पा रहा, डिफेक्ट बताओ कौन सा है, कैसे करेक्ट कर सकते हो, क्या लगा सकते हैं, क्या रीजन है। ठीक है, राइट, करेक्शन मेजर्स पूछ लिए, राइट। तो देखिए, करेक्शन मेजर्स क्या होंगे? लेंसेज ऑफ सुटेबल पावर टू बी इंसर्टेड, आइदर कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, डिफेक्ट्स, अब मेरे पास 3 तरीके के डिफेक्ट हैं। नंबर वन इज मायोपिया, सेकेंड वन इज हाइपरमाइट्रोपिया, एंड द थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया। और मैं बोलता हूं कि आप इन नामों से ना याद रख के इनको इन नामों से याद रखो, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, एंड दिस प्रेसबायोपिया इज अ कॉम्बिनेशन, समवॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमाइट्रोपिया। ठीक है, जैसा नाम वैसा काम, नियर साइटेडनेस, नियर मतलब पास की साइट क्लियर है, मतलब मैं पास की चीजें देख सकता हूं लेकिन मुझे दूर की चीज नहीं दिख रही है, राइट। अब आप ऐसे बोलोगे कि चांद दिख रहा है तो मेरी फार साइट तो बिल्कुल क्लियर है, नहीं, दिस इज नॉट नेसेसरी कि अगर हमको चांद और सूरज दिख रहे हैं तो हमारी फार साइट क्लियर है, हो सकता है मुझे यहां से 25 मीटर दूर 50 मीटर दूर का नहीं दिख रहा हो, क्लियर विजन नहीं हो। ठीक है, मैं पीछे बैठा हूं और मुझे बोर्ड का नहीं दिख रहा, ठीक है, बोर्ड इज द फार्देस्ट पॉइंट, फार पॉइंट हो गया हमारा, फार पॉइंट हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था इंफिनिटी होता है, ठीक है, क्योंकि मैं चांद को देख सकता हूं एंड इट इज एट इंफिनिटी, तो फार पॉइंट मेरा क्या होगा? इंफिनिटी। ठीक है, तो अब देखो आप डिफेक्ट बता सकते हो कि उस बच्चे को कौन सी बीमारी थी, नियर साइटेडनेस था, वो पास की चीजें अपनी किताब पढ़ सकता था लेकिन उसको बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा था, दैट इज व्हाट नियर साइटेडनेस, नियर विजन क्लियर, दूर की नजर कमजोर। ठीक है, राइट, वही बोले आपने कहावत सुनी है, बोले दूर से देखा तो ये आ रहे थे और पास आके देखा तो ये आ रहे थे, मतलब क्या हुआ कि हमारी दूर की नजर जो है वो क्या है, कमजोर है, मतलब मुझे दूर से तो कुछ और आता हुआ दिखता है लेकिन जब वो पास में आ जाता है तो मुझे कुछ और दिखता है। ठीक है, राइट। सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इज मीन फार साइटेडनेस, दूर का देख सकता हूं, मतलब दूर की साइट क्लियर है लेकिन अगर मैं 25 सेंटीमीटर के बाद कोई ऑब्जेक्ट रख रहा हूं तो हम लोगों को विजन क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, हम लोगों ने ये नोट किया है कि जैसे हमारे दादाजी हैं, दादी जी हैं, ठीक है, नाना जी नानी जी हैं, ये सारे लोग हैं, अगर इन लोगों को देखा जाए तो जब ये अखबार पढ़ते हैं तो ये बहुत फोकस करके अपना चश्मा ऊपर करके ऐसे करके पढ़ते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हुआ कि उनको नहीं दिख रहा बट उनके चश्मे से वो लोग उसको प्रॉपरली विजिबल कर पा रहे, इसका मतलब उनकी दूर की नजर तो बिल्कुल सही है, वो दूर का देख सकते हैं लेकिन उनको प्रेशर डालना पड़ रहा है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, इट मींस कि उनकी पास की नजर क्या है, कमजोर है। तो उनको कौन सी बीमारी हुई?
हाइपरमेट्रोपिया। देखो मैंने दो एग्जाम्पल यहां पर एग्जाम्पल किए दोनों डिसीजेस के लिए, दोनों विजन डिफेक्ट्स के लिए। नंबर वन इज व्हाट कि मैंने बोला बच्चा पीछे बैठा और उसको बोर्ड पे नहीं दिख रहा, दैट इज मायोपिया। आप एज फैक्टर निकाल सकते हो कि मायोपिया जनरली देखा जाता है यंगस्टर्स के अंदर, एडल्ट्स के अंदर, टीनेजर्स के अंदर एंड एट द एज ऑफ 20, 25, 30। ठीक है, आपको जो डिफेक्ट मिलेगा विजन का जो डिटेक्ट हुआ है दैट इज व्हाट मायोपिया। ठीक है, तो अब अगर एक क्वेश्चन यहां से जनरेट हुआ तो आप उसका आंसर कर सकते हो, अगर बच्चों को यूज किया जा रहा है तो मायोपिया ही डिफेक्ट होगा। ठीक है, सेकेंड इज हाइपरमेट्रोपिया। हम लोगों ने एग्जाम्पल देखते भी हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं या दादाजी दादी जी हैं वो बहुत फोकस करके देखते हैं बहुत पास के ऑब्जेक्ट्स को, उसके लिए चश्मा भी लगाते हैं, दूर का विजन क्लियर है उनको। जब दूर की चीज देखनी है तो जरूरत नहीं है, उसको साइड में निकाल के रख देते हैं, लेकिन पास के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ता है। द रीजन इज दिस कि उनकी पास की नजर कमजोर है और दूर की नजर अच्छी है। ठीक है, तो ऐसे मत बोलना कि उन्हें वो दिव्य दृष्टि है, दूर दृष्टि है। ठीक है, राइट। चलिए थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया। जब ये दोनों चीजें एज बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, हाइपरमेट्रोपिया भी था मायोपिया भी था। ठीक है, मायोपिया छोटी एज में हुआ, हाइपरमेट्रोपिया बढ़ते बढ़ते हो गया, या सिलियरी मसल्स ने फंक्शन करना प्रॉपर्ली बंद कर दिया, तो जो बीमार जो नया विजन डिफेक्ट आएगा दैट इज प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया का मतलब क्या हुआ कि मायोपिक और हाइपरमाइट्रोपिक दोनों प्रॉब्लम जनरेट हो गए। तो ना तो मुझे ज्यादा दूर का प्रॉपर दिखता है, ना मुझे ज्यादा पास का प्रॉपर दिखता है। तो उसके लिए या तो मैं दो अलग अलग चश्मे बनवाऊं या फिर एक ही चश्मे में मैं ये दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल करवाऊं। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहला डिफेक्ट के ऊपर चलते हैं, दैट इज व्हाट मायोपिया विच इज नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब पास की नजर बिल्कुल अच्छी है लेकिन दूर की नजर कमजोर है। ठीक है, देखो डायग्राम से ही आप इसके कॉजेस पे पहुंच जाओगे, मेरे ख्याल से यहां कॉजेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर की चीजें क्लियरली नहीं देख पाता, बट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, राइट मतलब क्या हुआ कि दूर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो नहीं दिख रहा, लेकिन पास में जो बैठा हुआ है मैं उससे आराम से चीटिंग कर सकता हूं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है स्कूल्स के अंदर, आप ऐसे कंसिडर कीजिए, राइट, कि हमारे पास में एक बंदी बैठी हुई है, ठीक है ना, और मुझे आप जान के उसकी कॉपी में से ही कॉपी करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे यार मुझे ना वो बोर्ड का नहीं दिख रहा तो मैं तेरी कॉपी में से देख लूं क्या। मतलब छेड़ने के लिए ही या किसी भी काम के लिए हम आप जान के ऐसी प्रैक्टिसेस मैक्सिमम टाइम करते हैं। तो भाई पहले से अवेयर हो जाओ, मैंने बता दिया है कि ऐसा गड़बड़ होता है। ठीक है, तो दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट मायोपिया। ठीक है ना, फार्देस्ट पॉइंट लेस देन इंफिनिटी, मतलब हम इंफिनिटी तक का देख सकते हैं फार्देस्ट पॉइंट, लेकिन मुझे बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा, इट मींस के मेरे डिफेक्ट में कोई विजन में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा फार पॉइंट रिड्यूस हो गया इंफिनिटी से और लगभग 15 मीटर के बाद मुझे पीछे का नहीं दिखता। तो अब मेरा फार्देस्ट पॉइंट क्या हो गया, 15 मीटर हो गया इंफिनिटी से हटके। ठीक है, पहली चीज इमेज कहां बनेगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, इमेज रेटिना से पहले। अब मैं कॉजेस को छुपाता हूं और आप मुझे कॉजेस बताओ। पहला कॉज, आई बॉल का साइज बहुत बड़ा हो गया, पावर ऑफ लेंस बढ़ी है या डिक्रीज है। देखिए अगर पावर ऑफ लेंस कम होती तो फोकल लेंथ ज्यादा होती, यहां पे पावर ऑफ लेंस कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए जो इमेज रेटिना में बननी चाहिए थी वो पहले ही बन गई। इट मींस कि हमारी आंखों में जो लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर हाई है, इसकी वजह से इमेज पहले बन रही है, तो मुझे उसकी कन्वर्जिंग पावर को लो करना है। मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा था जहां पढ़ा था फीडबैक मैकेनिज्म, उसके अंदर क्या पढ़ा था, ये था कि अगर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन ज्यादा हो तो भी दिक्कत है और सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन कम हो तो भी दिक्कत है, तो इसके अंदर अगर कन्वर्जिंग पावर हाई हो जाए तो इमेज पहले बनेगी, कन्वर्जिंग पावर लो हो जाए तो इमेज कहां बनेगी, पीछे बनेगी, तो दोनों प्रॉब्लम है। तो यहां पे सबसे बड़ा कॉज क्या है, हाई कन्वर्जिंग पावर, नंबर वन थिंग, तो इसकी कन्वर्जिंग पावर को रिड्यूस करना है।
फोकल लेंथ शॉर्ट, सेकेंड पावर ऑफ कन्वर्जेंस हाई फोकल लेंथ शॉर्ट, तीसरी चीज आई बॉल का साइज कंपैरेटिवली बड़ा हो गया है इसीलिए पावर ऑफ लेंस इंक्रीज हो गई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अफेक्टेड एज ग्रुप। जो इफेक्टेड एज ग्रुप है वो कंपैरेटिवली कौन सा होगा? सोचिए, मैं जब से एग्जांपल देता हुआ आ रहा हूं, इफेक्टेड एज ग्रुप होगा अप टू 30 इयर्स ऑफ एज। जनरली 99% केसेस जो आपको मिलेंगे वो इसी एज ग्रुप के मिलेंगे विच आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, और डिफेक्ट अभी अभी पता चला है तो मायोपिया है। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ कि अगर मैं यहां ऑब्जेक्ट रखा है और इसके फार पॉइंट को रिड्यूस कर दूं, मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे ले आऊं जहां से मैं क्या कर सकता था, देख सकता था, तो फिर ये ऑब्जेक्ट मुझे क्लियरली क्या होगा, विजिबल होगा। ये ऑब्जेक्ट मुझे क्या होगा, क्लियरली विजिबल होगा। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है उसको उठा के कहीं आगे ले आओ, क्योंकि मैं यहां के ऑब्जेक्ट तो देख सकता हूं लेकिन यहां रखा ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं कर सकता। तो अब मैं मेरे ऑब्जेक्ट्स को आगे खिसकाऊंगा। ठीक है भाई, मैं आगे तो उसको तो नहीं खिसका सकता बोर्ड को, लेकिन मैं करेक्शन डालता हूं। हमने क्या करा, करेक्शन यूज किया। करेक्शन के लिए मैंने इसके अंदर यूज किया कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या करेगा, इट रिड्यूसेस द कन्वर्जिंग पावर। दूसरी चीज, जो इंफिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसकी एक वर्चुअल इमेज जनरेशन करेगा, ये कहां पर, इंफिनिटी से पहले जहां पर मैं उसको देख सकता हूं। तो इसने क्या किया, देखिए इंफिनिटी से लाइट रे आ रही है और यहां पे पहुंची। ठीक है, इस लेंस से पास हुई, इस लेंस ने क्या करा, इसके लिए एक ऑलरेडी इमेज जनरेशन कर दिया। कहां से, तो देखो जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा था वो उठ के कहां पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई ये यहां से इस तरीके से पहुंचा और ये यहां पे इस तरीके से पहुंचा। ठीक है, राइट। तो हमने क्या करा, जो इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट था उसको कहां पे लाके रख दिया, इस पॉइंट पे लाके रख दिया। अब इस पॉइंट का कन्वर्जिंग होकर कहां पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, रेटिना पर। तो हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, इट रिड्यूसेस द कन्वर्जिंग पावर। दूसरी चीज, इट फॉर्म्स द वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट एफ, जो कि इंफिनिटी से पहले है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जो अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो उस केस में आपको अगर मायोपिक आय बोल दी जाए तो आप यू की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इंफिनिटी। तो अब जो लेंस फॉर्मूला बना, दैट इज 1/d - 1/∞=1/f। ठीक है, अब 1/∞ इज व्हाट, जीरो, तो 1/v = 1/f। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी इमेज फॉर्मेशन है वो कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर ही होगा। सारी की सारी इमेजेस कहां बनेगी, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट मायोपिया। तो मायोपिया के अंदर हम लोगों को दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, पास के दिखते हैं, लेंस की कन्वर्जिंग पावर हाई हो जाती है तो इमेज फॉर्मेशन रेटिना से पहले होता है। ठीक है, हमें उसकी कन्वर्जिंग पावर को लो करना है और आई बॉल का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और फोकल लेंथ बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। करेक्शन मेजर्स, कॉनकेव लेंस यूज करिए विच रिड्यूसेस द कन्वर्जिंग पावर एंड फॉर्म्स द वर्चुअल इमेज एट द पोजिशन एफ। ठीक है, राइट, इन दिस केस यू इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, तो अब अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया, ठीक है, एनालिटिकल एनालिसिस करने के लिए क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है अलोंग विद द डायग्राम एंड यू विल गेट 5 full marks। कहीं मार्क डिडक्शन नहीं होगा, आप चाहो तो एज ग्रुप हटा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है एंड यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स। ठीक है, राइट, चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड इफेक्ट के ऊपर, विच इज वॉट, हाइपरमेट्रोपिया, विच इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ मायोपिया। ठीक है, अब देख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। मेरी दूर की नजर बिल्कुल सही है और पास की नजर कमजोर है। वॉट डज इट मीन, कि जो दूर से आ रहा है वही दिखेगा, ऐसा नहीं कि दूर से देखा तो ये आ रहे थे और पास आके देखा तो ये आ रहे थे। सारी चीजें हमें एग्जैक्टली इक्वल दिखेंगी, बट पास की नजर हमारी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, राइट,
देखिए, अ पर्सन कैन सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है, राइट right? इसका जो नियर पॉइंट है वो मोर देन 25 होगा. रीजन आप यहां देख सकते हो, ठीक है, दिस इज रेटिना, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था 25 पर, इमेज फॉर्मेशन जो है वो बिहाइंड द रेटिना हो जाएगा. कॉजेज मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है, पावर ऑफ लेंस कम हो गया, राइट right? पहले पावर ऑफ लेंस बहुत ज्यादा थी, जल्दी से इमेज बन रही थी, अब पावर ऑफ लेंस कम हो गई तो देर से इमेज बन रही है, ठीक है. वहां पर लेंस का साइज बड़ा था, यहां पर लेंस का साइज क्या है, छोटा है. इसका एक और कॉज है, ठीक है ना, क्या कॉज है कि हमारी सिलियरी मसल्स वीक हो गई हैं और वो इस लेंस को प्रॉपर फंक्शन नहीं करने दे रही, इसीलिए इसकी पावर रिड्यूस हो गई और इमेज फॉर्मेशन कहां है, पीछे है, ठीक है. लेकिन फर्स्ट केस में मेरी सिलियरी मसल्स बहुत स्ट्रांग थी और उन्होंने लेंस का साइज एकदम इंक्रीज किया तो पावर इंक्रीज हो गई, ठीक है. चलिए, नियर पॉइंट मोर देन 25 हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द रेटिना, ठीक है. तो अब आप दो चीजों से इनको ध्यान कर लो, ठीक है, कॉजेज अगर भूल भी जाओ तो दो चीजों से ध्यान कर लो. मायोपिया में रेटिना से पहले बनती है, हाइपरमाइट्रोपिया में रेटिना के पीछे बनती है. जब पहले बनेगी तो पावर हाई है और जब बाद में बनेगी तो पावर लो है, ठीक है, राइट. कॉजेज एग्जाम्पल के लिए, अभी वो दादाजी वाला जो एग्जाम्पल था, कॉजेज लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, आईबॉल टू शॉर्ट एंड फोकल लेंथ इंक्रीजेस. यहां पे देखिए फोकल लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, राइट. एंड द लास्ट थिंग इज सिलियरी मसल्स वीक, सिलियरी मसल्स वीक हो गई है इसीलिए उसकी कन्वर्जिंग पावर लो गई है, इसीलिए इमेज रेटिना के बिहाइंड बन रही है. अफेक्टेड ग्रुप बेसिकली क्या हो सकते हैं, ठीक है, ओल्ड एज ग्रुप्स ज्यादातर अफेक्टेड हैं, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम बाय बर्थ भी मिलती है, पॉसिबिलिटी है बाय बर्थ मिल सकती है, लेकिन 90% to 95% केसेस आर फ्रॉम एजेड ग्रुप्स, ठीक है, राइट. करेक्शन, पिछली बार हमने कॉनकेव यूज किया था, इस बार में कॉन्वेक्स यूज कर रहा हूं. कॉन्वेक्स लेंस इट इंक्रीजेस द कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज कर देगी, और जैसे ही कन्वर्जिंग पावर हाई हुई उसने फटाफट से कन्वर्ज किया तो जो चीज पीछे बन रही थी वो कहां आ गई, आगे आ गई, ठीक है. चलिए अब देखिए काम क्या कर रहा है. अगेन दिस कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, और कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ एक केस में वर्चुअल इमेज बनाता है, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर या फिर हम बोले पोल और फोकस के बीच में होगा. तो यानी कि यहां पर और यहां पर इन दोनों के बीच में है, तो ये पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पीछे की तरफ और कंपैरेटिवली बहुत बड़ी कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज जनरेट होगी, ठीक है. तो अगर सपोज करो ये ऑब्जेक्ट दिस इज 25, मुझे 25 सेंटीमीटर का नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं यहां रखू दिस इज नियर अबाउट 30 by centimeter और दिस इज अबाउट 40 centimeter. तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को 25 की जगह 40 या 35 पे ले जाऊं तो मुझे इमेज क्लियर दिखेगी, ठीक है. अब देखो मैं इसको पीछे कैसे ले जा सकता हूं, ठीक है ना. हम पीछे कैसे ले जाएंगे, हम यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, ठीक है. मैंने जैसे ही यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया उसकी तरह उसके लिए ये ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये कॉन्वेक्स लेंस था और इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकस यहां लाया करता था, ठीक है. एंड दिस इज पोल, पोल और फोकस के बीच में ये एक कैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो वर्चुअल होगी, ठीक है, क्योंकि पोल और फोकस के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट रखते हैं कॉन्वेक्स के लिए तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन करता है. तो उसने एक वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करी पीछे, तो जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे था मैं उसको पीछे ले गया, ठीक है. लेकिन मायोपिया में जो इन्फिनिटी पे था मैं उसको कहां ला रहा था, आगे ला रहा था, ठीक है, राइट. और यहां पर जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर है मैं उसको कहां ले जा रहा हूं, पीछे ले जा रहा हूं, है ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, राइट. दूसरी चीज ये पास से ही आ रहा है, तो अब देखिए जो लाइट रेज यहां आ रही थी अब वो लाइट रेज थोड़ा बैकवर्ड से आ रही है, ठीक है, और इसने पहले ही इनको कन्वर्ज करना चालू कर दिया,
तो थोड़ा सा कन्वर्ट करके इसने दिया और बाकी बचा हुआ कन्वर्ट इसने किया, तो ऑटोमेटिकली जो इमेज फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होना था वो कहां पर आ गया, रेटिना के ऊपर आ गया। ठीक है राइट। तो यहां पर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे जो वर्चुअल इमेज जनरेट करेगा थोड़ा सा पीछे, जहां तक मैं ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं। तो अब आपका नियर पॉइंट ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो देखिए, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कोई नहीं बोलेगा कि U इज -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस केस में प्रेस बायोपी सॉरी हाइपर माइक्रोपिया पर अगर कोई न्यूमेरिकल आया इसके साथ साथ, तो उसमें आप U को फिक्स कर दीजिए माइनस का 25। तो अब जो फॉर्मूला बना लेंस के लिए, दैट इज 1/V प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/F, राइट ये बन गया हमारा फॉर्मूला नया। ठीक है, दिस इज फॉर हाइपरमेट्रोपिया, और पहले वाला जिसमें 1/F इज इक्वल टू 1/V था, दैट इज व्हाट, मायोपिया। ठीक है राइट गाइस, तो ये हुआ हमारा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेस बायोपिया के ऊपर। प्रेस बायोपिया के अंदर क्या होता है, जब हमारा विजन ऑफ डिफेक्ट जिसके अंदर पर्सन नियर बाय और फार ऑब्जेक्ट्स दोनों को क्लियरली विजिबल नहीं कर पाता, एज के साथ साथ सिलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं, ठीक है, उस केस के अंदर, ठीक है, हम लोगों की पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ आईज बिल्कुल खराब हो जाती है। तो ना तो हम पास के ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करते हैं और ना ही हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली विजिबल कर पाते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट इज नोन एज प्रेस बायोपिया। हम लोग हमारे आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर चुके होते हैं और सिलियरी मसल्स भी हमारी वीक हो चुकी होती हैं, तो इसीलिए ना तो वो पास के ऑब्जेक्ट्स को और ना ही दूर के ऑब्जेक्ट्स को इतना क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। उस केस के अंदर हम लोग जो लेंस यूज करते हैं, दैट इज बायफोकल लेंस, जिसमें नीचे का पार्ट तो कॉन्वेक्स होगा और ऊपर का पार्ट क्या होगा, कॉनकेव होगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोगों को पास के ऑब्जेक्ट्स को देखना है, तो देखिए दादाजी जनरली ऐसे यूं करके चश्मा नीचे करके जोर डाल के देखते हैं, राइट ठीक है ना, राइट अगर उनको पास के ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो यूं करके ऐसे चश्मा ऊपर और यूं ऊपर करके देखेंगे, ताकि नीचे वाले से कॉन्वेक्स लेंस से देख सके, और अगर दूर का देखना है तो वो हल्का सा चश्मा नीचे करके और इस तरीके से दूर का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, जिससे उनको क्लियरली दिख सके। तो ये एक ही लेंस होता है जिसमें ऊपर का हाफ पार्ट इज कॉनकेव और नीचे का हाफ पार्ट इज कॉन्वेक्स। कॉनकेव दूर की नजर के लिए, कॉन्वेक्स पास की नजर के लिए होता है। ठीक है राइट, तो दिस इज व्हाट, प्रेस बायोपिया। अब हमारा लास्ट बचा है, दैट इज व्हाट, कैटरेक्ट। देखिए अभी तक मैंने तीन पढ़ाए, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। तीनों के अंदर आप सिंपल स्पैकल्स यूज करके, चश्मे यूज करके उनको करेक्ट कर सकते हो, आपको आईसाइड ऑपरेशंस कराने की जरूरत नहीं है। कुछ केसेस ऐसे भी आजकल डिटेक्ट होते हैं जहां बच्चा बहुत छोटा है और उसको दिख नहीं रहा, दैट इज व्हाट बाय बर्थ केस है। ठीक है, उसके लिए ये केसेस नहीं है, वो बाय बर्थ केसेस हैं तो उसको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, बट उसके लिए थोड़ी एक एज होती है पर्टिकुलर। ठीक है, बाकी जो तीन डिफेक्ट्स हम पढ़ते हुए आए हैं अभी, इन तीनों में आपको कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ऑप्टिकल लेंसेज यूज करिए, प्रॉपर पावर के आपका आईसाइड करेक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, बट कैटरेक्ट, कैटरेक्ट के अंदर आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसको मोतियाबिंद कहा जाता है। ठीक है राइट, क्या बोला जाता है, मोतियाबिंद कहा जाता है कैटरेक्ट को। इसके अंदर हमारे आई लेंसेस के ऊपर, पीपल के ऊपर एक इमेज, एक लेयर जम जाती है, व्हाइट लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से जो लाइट रेस अंदर आ रही है वो प्रॉपरली नहीं आ पाती और मेरा विजन धीरे धीरे ब्लर होता चला जाता है, और अगर वो व्हाइट लेयर भरती चली गई तो मेरा विजन बिल्कुल चला जाएगा, हम लोगों को दिखना बंद हो जाएगा। तो कैटरेक्ट को सही करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, हम लोगों को बाय ऑपरेशन, लेजर ऑपरेशन होता है, बाय ऑपरेशन वो जो लेयर है आईज के ऊपर, ठीक है, पीपल के ऊपर, आईलेंस के ऊपर, उसको रिमूव करवाना पड़ता है।
ठीक है राइट, ये कैटरैक्ट के अंदर होता है। तो कैटरैक्ट के अंदर अब क्लाउडी अपीयरेंस जनरेट होता है क्योंकि आई लेंसेस के ऊपर व्हाइट कलर लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों को दिखना कम हो जाता है। एंड फाइनली अगर हम लोग इसका प्रॉपर केयर ना करें और ऑपरेशन ना कराएं तो ये बढ़ता चला जाएगा, एंड अ पॉइंट इज अचीव्ड व्हेन यू बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड। इन दैट केस फिर ये सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें करेक्शन पहले ही लेना पड़ता है और ऑपरेशन कराना पड़ता है। बाकी के तीनों डिफेक्ट्स ऑफ विजन ऐसे हैं जहां पर सिर्फ पर्टिकुलर लेंसेज यूज करके हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हुआ हम लोगों का क्या खत्म हो गया हम लोगों का डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तीन डिफेक्ट्स पढ़े और चौथा हम लोगों ने कैटरेक्ट पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जो बचा है दैट इज प्रिज्म एंड एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसके लिए हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, राइट। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं आप हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैप्टर के साथ, बट हमारा टॉपिक क्या होगा, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो गाइज टिल देन गाइज कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए।